उनकी नानी मर जाएगी रोज जवाब नहीं दे पाएगा। बरादर मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ये हुस्ने यूसुफ का कमाल है, ये हुस्ने यूसुफ का कमाल है कि मिस्र की औरतों ने हुस्ने यूसुफ पर अपनी अपनी उंगलियां कटा दी है। हजरत आयशा फरमाती है कि अगर मिस्र की औरतें ऐसे सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न को देख लेती तो अपने जिगर को काट लेती, वो अपने दिल को काट लेती। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, और आला हजरत फरमाते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मरना ले आया। ये है जो है तारीख के हवाले से मैं आपको बताना चाहूंगा। बारहा आप सुनते जाते हैं, अब जो हमारे शायर इस्लाम जनाब सदा गोदावी साहब तशरीफ ला चुके हैं, अब मैं आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि आपको मेहमान जो है तमाम मेहमानों की जो है शायरी भी सुननी है और खिदावत भी समाप्त करनी है। अब मैं वक्त जाया नहीं करना चाहूंगा क्योंकि जो वक्त खाली थी जो वक्त जो खाली था मैं उसको पूर करने की कोशिश किया। आप लोग जो अपने अकीदा को मजबूत रखें मेरा ब्राह्मण मिल्लत इस्लामिया और ये पैगाम भी लेकर जाए। आपसे मैं पूछना चाहूंगा अरे मुसलमानों, अगर आपके छह माह का बच्चा शहीद हो जाए, मुझे किसी ने बोलने के लिए नहीं कहा मैं शरीयत की जो रोशनी में पंखे की चोट पर बोलता हूँ, दुनिया के किसी मुफ्ती से फतवा ले लीजिएगा। और जो है अगर मेरा और गलत होगा तो जो है हमारे सीने से लगा लीजिएगा। आपसे मैं पूछना चाहूंगा इमाम अली मकाम जो है मैदान करबला में है, छह माह का अली असर है, अली असर के लिए पानी मांगा है, करबला में सार में चुभता हुआ तीर मारा है और अली असर के हल्कों को छेदता हुआ वो तीर पार हो गया है। आप सोचो तो सही, अगर आपका बच्चा होता कुछ पैगाम लेकर जाइए और अपने दिल को साफ और शफाफ कीजिए। जो है ये सब तमाशा बंद कीजिए, अपने और घरों में फिर खबर क्या रह जाएगा। अरे मुसलमानों, आज मैंने अपनी आंखों से तमाशा देखा है कि किस तरह लोगों ने अपनी पंजाब को खोल दिया है, नंगे कदम होकर कीचड़ में निकट कर घरों जैसा तमाशा करते हुए नजर आते हैं। तमाम बंदा इकराम से भी कहना चाहूंगा कि लोगों को अच्छा पैगाम दीजिए ताकि हमारी आवाम सुध जाए, हमारे आवाम के हालात सुधर जाए और लोग जो है शरीयत की पाबंदी करने की कोशिश करें। तमाम लोगों को सुधरने की जरूरत है, संभलने की जरूरत है। इमाम हुसैन ने मैदान करबला में जो है आखिरी फैसला करके दुनिया वालों को नमाज का मैदान कर दिया, हुसैनियों ने नमाज करते हैं लेकिन हमारी मस्जिदें खाली नजर आती है। ऐ मुसलमानों, सच्चे हुसैनी है तो मस्जिदों को आबाद कीजिए, क्या मस्जिदों को करेंगे रहेंगे और आखिर में भी कामयाब रहेंगे। ये किस्सा नबी अभी नातमाम है, जो कुछ हुआ हुआ वो आगा से बाप था आखिर दावा अलहमदुल्ला।